हाय फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल गीत किचन में आपका स्वागत है। आई होप अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अपने घर में स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आज हम रेसिपी लेके आए हैं सांभर की। चलो आज दिखाते हैं आपको सांभर हम लोग कैसे बनाते हैं। आप लोग भी ज़रूर वैसे ही बनाइएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनेगा। और बच्चे भी आज हमारे बहुत खुश हैं, और आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी को फॉलो जरूर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। चलो दिखाते हैं आपको रेसिपी सांभर की। फ्रेंड्स, हम थोड़ी सी इमली भिगो देते हैं, इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे इसमें। फिर हम दोबारा से इसमें पानी डालेंगे, और कुछ सा पानी में इसको भिगोएंगे ताकि इसकी मिट्टी मिट्टी है ना, पहले धो लेते हैं, साफ हो जाएंगे। ये बिना गुटली की इमली है। फ्रेंड्स, मैं पानी कोसा कर रही हूँ, कोसे में मैंने ये इमली डाल दिया ताकि पानी कोसा भी हो जाएगा और ये थोड़ा घुल भी जाएगी। कोसा हो चुका था और इमली भी थोड़ी सी घुल रही है, तो हम इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में इसको निकालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सांभर के लिए सामान कट कर दिया। थोड़ी सी मैंने पेठा ले लिया, ये देखिए, और आलू ले लिए काट, और आधा मैंने घिया काट लिया था, और दो टमाटर, दो प्याज बारीक बारीक, और एक बैंगन छोटा सा, ये देखो मैंने कट कर लिया। अब इस सबको मैं धो देती हूँ। आलू तो मैंने धो के काट रखे थे, इसको अलग कर देते हैं, और ये भी मैंने धो के काट लिए थे। बस ये तीन सब्जी मैं धो देती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, ये जो दाल मैंने भिगोई थी, ये मैंने पानी निकाल देती हूँ इसका। हम इसमें कुकर में डालेंगे। थोड़ा पानी डाल देते हैं पहले, तो कुकर में डाल देते हैं। कुकर मैंने चढ़ा दिया चैन। अब इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। और मैंने अभी एक लीटर पानी डाला, एक गिलास पानी और डालेंगे इसमें। एक गिलास पानी और डाल दिया मैंने, डेढ़ लीटर पानी डालेंगे इसमें हम। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, इसे मिक्स कर देंगे हम। और इसमें सब्जी डाल देते हैं हम। फ्रेंड्स, बीन्स भी मैंने काट रखे हैं, ये भी डालेंगे साथ में, और इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे। धो के काटी थी। आलू भी इसमें मिक्स कर देंगे हम, प्याज भी, और टमाटर भी इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें डाल देंगे हम। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें ढक्कन लगा देते हैं हम। हमने ढक्कन लगा दिया है, अब इसमें तीन सीटी आ जाएगी, फिर हम इसको बंद कर देंगे गैस को, फिर हम लगाएंगे तड़का। हम करते हैं तड़के की तैयारी। एक सीटी आ चुकी है। फ्रेंड्स, मैंने एक करछी जितना तेल डाल दिया है, अभी थोड़ा गर्म हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे मसाले अपने। ये देखिए, ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये सूखी हुई लाल मिर्च, और ये कड़ी पत्ता है, और हम ये इमली हमारी हो चुकी है। अब इसको मैश कर लेते हैं अच्छे से, उसका रस निकाल लेते हैं। पैन तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे राई एक चम्मच, लाल वाली थोड़ी सी, और ये लाल मिर्च। फ्रेंड्स, ये पेस्ट है जो मैंने आपको घर में लगाने डालने के लिए, ध्यान से डालना क्योंकि बहुत छोटा मारता है ये। गैस मैंने भी इसको कम कर दिया। पैन में थोड़ा सा नमक डालते हैं, पहले भी डाल चुके हैं तो कम डालेंगे। सूखा धनिया और लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ी सी हल्दी,
और किचन किंग मसाला डालेंगे और सांभर मसाला भी डालेंगे। फैंस ये सांभर मसाला मैं पाउच लेके आई, बड़े वाला डिब्बा मिला नहीं यहाँ पे, तो मैं ये ले आई। हम यही से काम चलाएंगे हम। ये किचन किंग मसाला, फैंस ये देगी मिर्च आधा चम्मच, ये कैच का हम डालेंगे एक चम्मच, आधा चम्मच और डालेंगे मसाला सांभर मसाला। अब इसको कर देंगे मिक्स, गैस कर देंगे तेज, थोड़ा मसाला पक जाए। मसाला पक चुका है, हमने गैस बंद कर दिया। फैंस 3 सीटी बज चुकी थी, मैंने गैस बंद कर दिया था और मैंने तड़का लगाया और इसको मैंने नीचे उतार के रख रखा था। अब इसकी विसल निकाल के अब देखते हैं। निकल चुकी है इसकी, देखिए फैंस हमारा सांभर हो चुका है रेडी। अब इसमें हम डालेंगे इमली जो हमने निकाल चुकी हूँ, इमली का पल डालेंगे। ये देखिए फैंस, ऐसे मैंने इसको छान लिया था, थोड़ा पानी और ऐड किया था इमली में ताकि अच्छे से निकल जाए। इसमें हम डालेंगे, पहले हम चेक करेंगे, पहले हम थोड़ा सा ही डालेंगे, बाद में जब धूप पड़ेगी हम और डाल सकते हैं। तड़के को डालेंगे इसमें, एक उबाला दे देते हैं हम। फैंस एक उबाला आ जाए फिर हम गैस को कर देंगे बंद, फिर आपको दिखाएंगे प्लेटिंग करके। फैंस मैं थोड़ा सा इसमें ग्राइंडर चला देती हूँ, थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। वैसे सांभर तैयार है हमारा, सब्जियाँ सारी मिक्स हो जाएगी। एक बार चलाना जो बहुत ज़रूरी है, इसमें बिल्कुल बाजारी लगेगी आपको। बस 1 सेकंड का काम था, अब हम करेंगे प्लेटिंग। फैंस मैंने प्लेटिंग कर दी है सांभर और चावल की, इसके साथ हम राइस खा सकते हैं और डोसा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके बाय, गुड नाइट।